जन अधिकार पार्टी पूरी तरीके से सामने आ गया जी। आज हम लोग ये हिटलर शाही और तानाशाही की जो सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के, ये लोग ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं, जातिवाद कराना चाहते हैं, ताकि इनकी आंखें प्यासी है खून देखने के लिए। खून देखने के लिए ही है एनआरसी और सीए लागू कर रहे हैं। जब तक सड़कों पर खून नहीं बहेगा, लोग कटेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, आपस में लड़ेंगे नहीं, मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, तब तक इनको चैन नहीं आएगा, तब तक ये एनआरसी सीए वापस नहीं लेंगे। इन्हीं के खिलाफ हम लोग जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे बिहार में पूरे जोश के साथ हम लोग बुलंद किए हुए हैं और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है हमेशा। तो आज वाम दल का जो बंदी है तो केवल जन अधिकार पार्टी सामने, हम लोग भी समर्थन में हैं। जहां भी अन्याय की बात होगी उस हर जगह पर हम लोग समर्थन करने के लिए किसी भी पार्टी को तैयार हैं। तो क्या आगे रणनीति क्या होगी आगे? तो हम लोग रोड पर युवा, छात्र, नौजवान, बुजुर्ग सभी लोग उतर कर एकजुट करने का, गाँव गाँव घूमकर प्रचार करने का और एकजुट करने का हम लोग काम करेंगे, ताकि ऐसी निकम्बी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। परिचय महोदय, रघुपति यादव, जन अधिकार पार्टी जुआ जिला अध्यक्ष भोजपुर। भैया अमित शाह और नरेंद्र मोदी सीए जो काला कानून लाकर देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, इस काला कानून के विरोध में आज हम पूरा भारत और बिहार में जन अधिकार पार्टी के समर्थन में पूरा बिहार को बंद करने का हम लोग काम किए हैं। सरकार जब तक सीए कानून वापस नहीं लेती है, पूरे बिहार में पुरजोर तरीके से लगातार आंदोलन चलता रहेगा। क्या ये जन अधिकार पार्टी का या सारे पार्टी का? सारे संगठन लेफ्ट का है, हम लोग जन अधिकार पार्टी समर्थन में और पुरजोर तरीके से बिहार को बंद करने का काम किए हैं। क्या मांग कर क्या है? मांग यही है कि सीए वापस लीजिए, देश को धर्म के नाम पर बांटना बंद करिए, देश को सर्वधर्म संभव वाले नारों को अपना अपनाइए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह छात्र और युवाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए, बिल लाना है तो बेरोजगारी पर लाइए, शिक्षा पर लाइए, स्वास्थ्य पर लाइए, ऐसे ऐसे धर्म के नाम पर बिल को लाकर देश को बांटना बंद कीजिए। आगे क्या रणनीति होगी आज इससे? आगे हम लोग अब लगातार जिले में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर इस बिल के विरोध में बैठने वाले हैं। सरकार जब तक सीए को वापस नहीं लेती है, हम लोग का भूख हड़ताल लगातार चलता रहेगा। नीतीश कुमार जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी सबसे ज्यादा इसमें सामने आया हुआ है, क्या इसका आप देखे होंगे पूरे हिंदुस्तान में जब इस तरह के काला कानून आया तो इस पार्टी के गरीबों के, मसीहा छात्रों के हमदर्द पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने
पूरे देश में घूम घूम कर एनआरसी और सीएए जो यह काला कानून है इसके खिलाफ लोगों को आगाह करे। यह कानून देश को बांटने वाला है, यह कानून नौजवानों को रोजगार छीनने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि वाम दलों का है, तो इसमें जन अधिकार, यह जो मीटिंग के दरमियान लेफ्ट पार्टियों को हम लोगों ने समर्थन देने के लिए पुरजोर तरीका से आज हरहरा पुल को जाम किए हैं। सवाल है जहां भी लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए जहां भी बात आएगा, जहां जन अधिकार पार्टी खड़ा है। आगे किस तरीके का रणनीति होगा? आज हर दिन बिहार बंद है, आज रूट और तमाम दुकानें बंद रहेगी। और क्या मांग, क्या है? मांग है कि जो यह काला कानून है इसको वापस लीजिए। बिल लाना है तो शिक्षा पर लाइए, बिल लाना है तो स्वास्थ्य पर लाइए। हमको यह बता दीजिए कि 6 साल में एक भी बड़ा विश्वविद्यालय खुला हो। आपको यदि विश्वविद्यालय बिल लाना है तो जामिया जैसा विश्वविद्यालय बिहार में लाइए, जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय बिहार में लाइए, एम्स जैसा हॉस्पिटल भारत में लाइए, यदि नासा जैसा शोध संस्थान हिंदुस्तान में लाइए। यह बिल लाना चाहिए। तो यह बिल क्या तो मंडी, क्या तो एनसीआर, इससे क्या होगा सर? नवयुवार बेरोजगार है, दूसरे राज्य में रोजगार के तलाश के लिए जाने के लिए विवश है, किसान आत्महत्या करने के लिए विवश है, छात्र पढ़ने के लिए कहीं स्कूल नहीं है। हम लोग आगाह करना चाहता है कि जितना जल्द हो यह जो काला कानून है वापस लीजिए, नहीं तो इससे भी जोरदार तरीका से आपको बताया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा। सुजीत कुशवाहा, जन अधिकार छात्र परिषद, आरा।